तुम बड़ा तगड़ा वाला दर्द हो, पुल टूट गया है एकदम नदी के बीचों बीच मंदिर है। इस टेम्पल की ना मतलब खासियत, कितनी भी बारिश आ जाए, मतलब कितना भी पानी भर जाए, तो कुछ भी नहीं होता। चलो भगवान ने दिया है तो मैं अपने बात करके गाई। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका फिर से एक और नए ब्लॉग में। सभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 एंड हम जाने वाले हैं आज किलात के। हम सही थोड़ी दांत में दर्द है जिसकी वजह से थोड़ा बोला नहीं जा रहा है, वैसे थोड़ी हालत अभी बराबर है। फिर से वही बात, बाइक को साफ कर लेते हैं फटाफट एकदम, शीशे वीशे सब कुछ साफ कर लेते हैं। थोड़े दिन पहले ही धोई थी, सर में ज्यादा कुमाई नहीं है तो बराबर ही है। ब्लॉग चल रहा है, हाइक कर लें। हम इतनी बार आते नहीं ना, मतलब फोर लेन वाला रास्ता नहीं था, फोर लेन वाला रास्ता बन गया। अभी राइडिंग पे आने काफी मजा आने वाली है, मतलब काफी। हम लोग मंकी पॉइंट पाए थे, मंकी नहीं मिला हमको बपोर में दोपहर को, कभी हो देखो इधर अभी नहीं निकले, बाकी इधर पे बहुत रहते यार। नाम लिया और शैतान हाजिर दोस्तार, इसको क्या बोलते हैं पता है, बॉकलैन टाटा हिटाची। गाइस अभी हम लोग उधर जाना है हनुमान जी के पास, वहाँ पे है टेम्पल ये रहा। तो अभी देखते हैं, पहले मंदिर पे नहीं जाएंगे, इधर से थोड़ा बहुत शूट करते हैं, फिर मार्केट में जाएंगे और दवाई लेंगे, वो पीने के बाद फिर मंदिर पाएंगे क्योंकि बोला नहीं जाएगा। अभी चलते हैं पुल पे से सीधा वहाँ नदी तक जाने की ट्राई करते हैं। अभी अरे जूतों का कलर ही नहीं दिख रहा है, बोलो मतलब पहले ये वाला पुल हुआ करता था, फिर ये वाला बन गया, ये टूट गया इसलिए ना, आगे से टूट गया। देखो एकदम ब्लूज पानी और काले काले बादल, वाव भाई साहब जहर क्या ही मतलब। ये देखो यहाँ से पुल टूटा हुआ है, तो यहाँ से पुल टूट गया ओ भाई। और ये रहा अपना हनुमान जी का टेम्पल। इस टेम्पल की ना मतलब खासियत है, कितनी भी बारिश आ जाए, मतलब कितना भी पानी भर जाए, पर इसको कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे पत्थर भी नहीं आती और कुछ रेत भी नहीं जमती आजू बाजू में, मतलब कहीं भी पत्थर है वगैरह वगैरह, पर इसको कभी कुछ नहीं होता है भाई। कितनी भी बार आ जाए ये यहाँ से तस से मस नहीं होता, ये यहाँ की बड़ी खासियत है। इसका नाम ना तड़केश्वर है, तड़केश्वर। सैटरडे के दिन बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब बहुत सारे, आज तो मतलब कुछ भी नहीं, आज मंगलवार है। चलो तो अभी जाते हैं सीधा वगई मार्केट में, वहाँ से दवा लेंगे, दवा पी लूँगा फिर आएंगे इधर, क्योंकि अभी हमें और भी घूमना है, हमें एक किलात कैंप साइट भी जाना है, दवा पीना पड़ेगा। दवा पीने के बाद अभी थोड़ा तो अच्छा लग रहा है यार, वरना तो एकदम। चलो अभी आ गए हैं टेम्पल पे, उतार देता हूँ शूज, मैंने मोजे नहीं पहने आज फिर से। वहाँ पे दो लोग हैं तो उनको आने दो, ये हम चलते हैं क्योंकि मस्त फोटो वोटो खींचेंगे थंबनेल के लिए, चाहिए नहीं। तो अभी दवा पीने के बाद थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है, ज्यादा अच्छा नहीं हुआ अभी तक, ये थोड़ा बहुत तो अच्छा हुआ है। कैमरा थोड़ा गंदा हो गया, फ्रंट कैमरा वो ग्लास थोड़ा बकवास डाला है ना इसलिए। चलो चलो चलो, आज बड़े दिनों के बाद मेहुल भी ब्लॉग बना रहा है। देखो एकदम नदी के बीचों बीच मंदिर है, फिर भी आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। ये पहले ना दर्शन के लेता हूँ फिर बातें करते हैं। तिलक कर दिया है, अच्छा लग रहा हूँ मैं तिलक में, अच्छा लग रहा हूँ। मुझे मिला है ₹1 मिल गया मुझे, ₹1 मैडम, फर्स्ट टाइम नदी में से पैसे मिला वो भी ₹1 हुआ। चलो भगवान ने दिया है तो मैं अपने पास रख लिया, दूसरा मिल गया, एक दूसरा मिल गया, चलो एक दूसरा भी मिल गया, एक मेरे पास, ठीक है अपने पास जेब में रखियो। चलो अभी मैंने दर्शन कर लिए, कैसे पानी में मछलियाँ घूम रही दिखा दो मैं। हाँ गई, कहाँ गई,
आ गए, अभी देख ही नहीं रही। चलो फाइनली दर्शन भी कर लिए, अभी चलते हैं क्लॉक कैंप साइड। चलिए अभी थोड़ा दांत का दर्द अभी ठीक ठाक हुआ है। ये रही अपनी बाइक, क्लॉक कैंप साइड का बोर्ड तो वो भी फटा पड़ा है, पता नहीं अभी कैंप साइड फटा पड़ा होगा कि नहीं। तो चलते हैं पहले उधर, फिर बातें करते हैं, क्योंकि अभी फोन हीट अप हो गया है, कैमरा कभी भी बंद हो सकता है इसलिए।